क्या रे तुम लोग ऐसे खड़े हो, काम खत्म हो गया क्या? अरे तुम तो आप... सुनो जी, पता है ये लड़का कौन है? हे हाय हाय। तो आज की स्पेशल न्यूज़ क्या है? किसानों की आजादी वाला देश। किसानों की? आखिर बात क्या है? चलो खुद देख लो। ओके राजू, ये प्ले करो। उस वक्त हमारे हाथ में एक फूटी कौड़ी भी नहीं आती थी, लेकिन अब उस लड़के की वजह से सब ठीक है। उस समय खेती करना मतलब भूखमरी था, लेकिन आज हमारा जीवन धन्य हो गया है। नेक्स्ट। उन कार्तिक बाबू ने हमें जो सलाह दी थी, उनकी वजह से हमारा गांव फल फूल रहा है। कार्तिक बाबू की वजह से हम साल में 4 बार खेती करते हैं। उधर देखो हमारी खेती को। ओहो, आखिरकार सारे किसानों के दिल में जगह बना ली। लगता है वो हम किसानों के लिए ही पैदा हुआ है। इंटरव्यू करना ही पड़ेगा। ए, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे। वो किस लिए? तू चल मेरे साथ, बताती हूँ। हेलो, इज दिस कार्तिक? या आई एम श्रुति फ्रॉम न्यूज चैनल। आपके इंटरव्यू के लिए कॉल किया है। इंटरव्यू देने के मुकाम तक पहुंचा नहीं हूं, फिर भी लोग मुझे बुलाते हैं। सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हेलो सर, आपने जो फार्मूला किसानों के लिए बनाया है वो आप चाहेंगे तो और किसानों को मदद मिलेगी। कैन यू रीच मी पर्सनली? कार्तिक जी, मैं भी एक किसान की बेटी हूं। ओके, कांग्रेचुलेशंस कार्तिक। टेक्नोलॉजी गैजेट वर्क तक ही सीमित थी, पर आपने टेक्नोलॉजी को खेती बाड़ी तक लाकर इतना सब कुछ हासिल किया। इतना सब कुछ हासिल करने के बाद भी आपके चेहरे पर जरा भी मुस्कान नहीं है। इफ यू डोंट माइंड, इस इंटरव्यू को आपकी कहानी से शुरू करें। मुस्कुराहट। इस दुनिया में कुदरत ने सिर्फ इंसानों को ही मुस्कुराहट के रूप में एक अनमोल तोहफा दिया है, भगवान का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा। और उस मुस्कुराहट को एक लड़की ही छीन सकती है, और मेरी पहली मुस्कुराहट की वजह एक लड़की थी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। शांति शांति शांति। हे प्रभु, सबकी रक्षा करना। बुजी बुजी, कॉलेज का टाइम हो रहा है, जल्दी तैयार हो जा बेटा। अर्जुन रेड्डी भाई आ गए। क्या नहीं देखा भाई? तेरे को देखा कि नहीं? नहीं देखा भाई। अरे ये कैसी है यार, किसी को नहीं देख रही है? अर्जुन रेड्डी किसी को नहीं देखता, अर्जुन रेड्डी को लोग देखते हैं। मैं वेट करूंगा, समझा? अभी उसने देखा क्या? नहीं देखा भाई। अरे आज भी बंक मारा? मेरी जान के लिए। तू भी? कोई डाउट है क्या? हा? तू? मैं भी उसी के लिए। तू भी उसी लड़की के लिए? थोड़ा तो शर्म कर, कितना भी ट्राई कर ले, मिलेगी एक कोई ना। हे लक्ष्मी मैया, मेरी मनोकामना पूरी करो, मेरा परिवार सुखी रहे। लक्ष्मी माता की तरह है ना?
बीच। अरे रुक रुक, मैं इधर भागता हूँ, उधर भाग। अरे कोई उस चोर को पकड़ो। होने से बचना चाहिए, ख्याल रखिए। ठीक है, लेकिन तुम हाय कार्तिक। अरे आजा। अरे रिजल्ट आया और तू यहाँ क्या कर रहा है? क्यों, तू फेल हो गया क्या? फर्स्ट क्लास से पास हो गया भाई। तो चलो फिर पार्टी मनाते हैं। अरे बेटा चल आजा जल्दी, तेरे सर पर तेल लगाना है। स्कूल जाने का टाइम हो गया है, तो अगर ऐसे ही बैठा रहा तो कैसे चलेगा? पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनना है ना, तो स्कूल में जाकर अच्छे से पढ़ाई करना। हाँ क्या सुबह सुबह शुरू हो गई क्या? पढ़ो पढ़ो बोल कर, उसका दिमाग मत खराब करो। अरे मेरा बेटा किसान का बेटा है, मेरी तरह किसानी करेगा, कलेक्टर नहीं बनेगा। क्या बेटा? अरे बेटा संभल के। नमस्ते साहब, आइए आइए, बैठिए बैठिए साहब। क्या रामुलू, कैसा है? रामुलू तुझसे कुछ पूछना है। हाँ मालिक, जो पूछना है पूछिए। बकरी कैसी होती है? बकरी काली भी होती है और वैसे सफेद भी होती है साहब। रामुलू काली होती है सफेद होती है, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कैसी होती है। ए, तू बता रहे भाई, आप नर और मादा की बात कर रहे हैं क्या? बकरी एक जंतु है साहब। ए, तुम लोग को समझ में आ गया ना, बकरी जंतु होती है, खूंटे में बंधी है तो उसकी, नहीं तो हमारी, समझ गए ना तुम लोग? दादाजी मैं कॉलेज जाके आती हूँ। ठीक है बेटी जा। साहब लो गिन लो। रामलू हाँ साहब, ये पैसे हाँ। तुम्हारी पोती के पढ़ाई के लिए है? हाँ साहब। अच्छी बात है। मालिक आपके पैर पर मालिक, अपनी किडनी बेच करके पैसे चुका दूंगा। तुम्हें बोलो ना, तुम्हें बोलो ना, पैसे चुका दूंगा। मैंने कर्जा देके तुम्हारी मदद की थी। हाँ मालिक। अब तेरे बेटे को काम देके इसकी मदद कर रहा हूँ। मालिक छोड़ दो मालिक, मालिक उसे छोड़। मालिक मालिक अरे ये किताब मेरे लिए गिरी है। चल हट, मैं सीनियर हूँ। तो मैंने क्या कान में फूल लगाया हुआ है? अब मैं यहाँ से कैसे बचूंगी? हे भगवान, तू ही मेरी रक्षा कर, मुझे बचा ले। ये तो मुझसे ही प्यार करती है। मैं भगवान से मुझे दिलाकर प्रसाद चढ़ाऊंगा।
मुझसे प्यार करती है? ये बीच में कहां से आ टपका? कौन है तू? मुझसे प्यार करती है? मेरी जा, जा, जा। मेरी जा, जा, जा। मेरी वाली पसंद आई क्या? मेरा प्यार छीनने का अधिकार तुझे किसने दिया? हम इतने सालों से इसके पीछे पड़े और ये तुझसे कैसे पड़ गई? अबे पुतले की तरह खड़ा क्या है, बोल ना। किसी और को चाहने लगी है भाई। अबे कैसी बकवास कर रहा है तू? कौन है रे वो? भाई इस बार 2 लाख रुपए रख लो भाई, बाकी का जल्दी दे दूंगा। देख लड़का देखने में मस्त दिख रहा है ना, 2 में 1 ऐड कर और लड़के को लेके जा। कुछ नहीं, थोड़ा सा तमाशा हो गया था। कल सुबह मंदिर जाएंगे। हाँ कार्तिक का महीना है ना, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है ना, वही सारी बातें बताऊंगी। बाय। इसे यहाँ रख दो। ये मंदिर 500 साल पुराना है। अच्छा, बहुत शक्ति है इसमें। हाँ, इस मंदिर के बारे में मेरी माँ बता रही थी। अच्छा, कल जो तमाशा हुआ उसके बारे में बताओ ना। ठीक है ठीक है, मैंने बताया था ना कुछ लड़के रोज मेरा पीछा करते हैं। हाँ बताया था। अब क्या हुआ उनके साथ? अब वो मेरा पीछा नहीं करेंगे। कैसे बुज्जी दीदी? क्योंकि जैसे मैं जानती तक नहीं थी उसे आई लव यू कह दिया। अरे किसी लड़की ने आई लव यू बोल दिया तो तुमने यकीन कैसे कर लिया? पता नहीं उसकी आंखों में कुछ तो था। बेचारा है ना वो। हाँ तूने सही कहा, उस बेचारे पर दीदी को कितनी दया आ रही है। जी जी। हाँ? मुझे उस पर दया क्यों आएगी? उसके साथ जो भी हो मुझे क्या, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। अगर दोबारा वो लड़का दिखा तो उसे सॉरी बोल दूंगी। सवाल ही नहीं है, कहीं मिल गई तो आई लव यू बोल दूंगा। ऑल द बेस्ट, अब तेरा बैड टाइम शुरू हो गया। तुझे भी ऑल द बेस्ट, क्योंकि तू ही उसे बर्दाश्त करेगी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, कुछ पर्सनल है। एक मिनट। हाँ दुर्गा माँ, प्लीज मेरी हेल्प करो। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, अब सारी उम्मीदें तुमसे। वो लड़का मान जाना चाहिए। हाँ प्लीज। दुर्गा माँ, उनमें बहुत शक्तियां हैं पता है। तुम्हें टीका लगाऊं? Thank you.
दिन से मुझे ठीक से नींद नहीं आ रही है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी हालत समझ रहे होगे। उस दिन मैंने तुम्हें ऐसे ही आई लव यू कह दिया था। प्रॉमिस ऐसे ही कह दिया। सॉरी। हाँ, अगर तुम्हें मुझे डांटना है तो डांट सकते हो। मैं तुम्हें क्यों डांटूंगा, ऑलरेडी मैं तुम्हारे प्यार में गिर चुका हूँ। अब कुछ कहे भी ना जा रहे हो। अभी के अभी माफी देने की जरूरत नहीं है। ये पेपर पूजा में रखा गया था, इस पर साइन कर दो, मैं वहां रख दूंगी। फिर माँ जो चाहेंगी वही होगा। पता है, दुर्गा माँ की वजह से ही मेरा उन गधों से पीछा छूटा था। वो भी तुम्हारी वजह से, इसलिए तुम मुझे अच्छे लगते हो। आई लव यू। थैंक यू। सेम टू यू। क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? तुम मेरे दिल को भा गई हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुर्कमो, ये भी गधा निकला। तुर्कमो, थैंक यू। दुर्गा माता, हमारे प्यार की साक्षी तुम ही हो। थाई, थाई, ऐसे ऐसे नहीं बेटा। ओके, फिर से करते हैं। थाई, 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 यहाँ क्यों आए हो? उस दिन मैंने तुम्हें ऐसे ही आई लव यू बोल दिया था, उसके लिए सॉरी कहा ना। अब मेरा पीछा क्यों कर रहे हो तुम? उन गधों में से तुम भी एक गधे हो, ये तुमने साबित कर दिया। अरे एक मिनट मेरी बात तो सुनो। एक तो तुमने आई लव यू नहीं बोला, मैं तुम्हें माफ नहीं कर रहा हूँ। सॉरी, साइन करके देता हूँ, माता के पास चढ़ा दूंगी। नौटंकी करती है। ये लो, अब खुश हो? ए, माँ देखो ना, इसको इसकी प्लेट दो ना। शाम को पानी पूरी चाहिए या नहीं? मेरे सामने नाटक नहीं, जो भी है उधर बताओ। माँ, ये माता के मंदिर में ये सब बांधना सही मन्नत है? माता इतनी पावरफुल होती है? बच्चे 8 महीने के होते ही बोलना शुरू कर देते हैं। तूने तो 6 महीने में ही बोलना शुरू कर दिया था। माँ, बोलो ना माँ। कब से परेशान कर रहा है, अभी बताती हूँ। रहने दो, उस माता से ज्यादा पावरफुल तो तुम लगती हो। बाय। कार्तिक, नाश्ता तो करके जा। यस। इससे पहले 25 आउट हो गए थे, ये 26वां भी एकदम से आउट। मेरा लक नंबर है। तुम्हारे हिसाब से मैं कट हो गया, तुम्हारा लकी नंबर है 8, ये कैसे हुआ? 25 जो पीछे पड़े थे वो सारे आउट हो चुके थे। मैं तुम्हारे पीछे पड़ा गया? नहीं नहीं, वो तो दुर्गा माँ की इच्छा थी। तुम्हें मिलाकर 26 हुए। 2+6=8 मेरा लकी नंबर है। मतलब माता की कृपा से तुम्हारे लकी नंबर में मैं भी शामिल हूँ। हाँ, तुम टॉपिक चेंज मत करो, तुम आउट हो मतलब आउट हो। ओए, अरे भाग क्यों रही हो? ये सब तो माता की इच्छा है ना? नो। तुम जैसा सोच रही हो वो लकी नंबर मैं हूँ। नहीं। ओके ओके ओके, तुमने जैसा बोला मैं कट हो जाता हूँ, ओके ना? हाँ।
बोल कार्तिक, कौन सा ब्रांड पिएगा? अरे नहीं भाई, माँ मार डालेगी। ऐसे बोल रहा है जैसे हमारा भी सम्मान होगा। ऑर्डर सर। देखो भाई, 4 बियर, 2 लग पीस, 2 सिगरेट, जल्दी लेकर के आ जाओ। जल्दी लेके आना। ठीक है सर। भाई तुम्हारी लव स्टोरी अभी कहाँ तक पहुँची? अरे उसने फर्स्ट टाइम टच किया यार। अरे वाह क्या बात है, वैसे यहाँ ऑमलेट बहुत मस्त मिलता है। तुझे दिखाई नहीं देता क्या? तेरी तो। चल निकल यहाँ से। क्या हुआ छोटे? भाई टेबल साफ कर रहा था, गलती से बॉटल गिर गई। कहो तो सॉरी बोल देता हूँ, लेकिन इनसे कहो कि मुझे मारे नहीं भैया। तुझे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, सॉरी तो ये जानवर लोग बोलेंगे। भाई 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 भाई, रुको 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 भाई, अरे पीकर जोश में आ जाते हैं, ये सब यहाँ कॉमन है। ओ छोटू, तुझे तो पता है पीने वाले कैसे होते हैं। ए बच्चे को लेकर जाए यहाँ से। भाई आप बैठ जाओ, टेंशन मत लो, एंजॉय करो, मैं उसको समझा दूंगा। क्या बात है कार्तिक, पहले तूने कभी ऐसे रिएक्ट नहीं किया। ए छोटू, क्या नाम है तेरा? कल्याण भैया। क्या कर रहा है यहाँ पर, स्कूल नहीं जाता है क्या? भैया मैं स्कूल में फर्स्ट आता हूँ, लेकिन वो क्या है ना, ये अच्छा बच्चा है, इसके साथ दोबारा ऐसा नहीं होगा, हम देख लेंगे। बार का लाइसेंस मिल गया तो काफी नहीं है, रूल्स भी होने चाहिए। अपने बॉस को बोलो उस पर अमल करने के लिए। कल सुबह वापस आऊंगा, ये बच्चा अपने घर पे होना चाहिए। ठीक है। समझ गया ना? समझ गया भाई। भाई 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 नहीं। उधार कितना लिया था? 5 लाख भाई। ब्याज कितना हुआ? 5 लाख। पूरा पैसा तेरा बाप भरेगा क्या? भाई 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 मैं क्या करूं भाई, छोड़ दे भाई। ये बच्चा, चल खड़ा हो जा। भाई इसकी हालत देखकर लगता नहीं है कि ये पैसे भर पाएगा, आपको ये अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है बादशाह, जब पैसे दिए थे तो तूने कहा था मैं भगवान के समान हूँ, अब भगवान ही तुझे रास्ता दिखाएगा। ए, असल और ब्याज के तौर पे इसके बीवी बच्चों को मेरे पास ले गया। मामा जी आ गए। कल रात को बार में जिसने हंगामा किया था वो लड़का आया है। एक काम कर, उसको अंदर लेके जा, मैं अभी आता हूँ। ठीक है? ठीक है भाई। भाई रात में ओनर की पेशाब निकल गई, सोच लो, चाइल्ड लेबर, पुलिस केस, ये सोच के ही उन्होंने बच्चे को उसके घर पहुंचा दिया। थैंक यू। अरे थैंक यू मुझे बोलना चाहिए। रात को नशे में कुछ बोल दिया होगा तो उसके लिए माफ करना। ठीक है। अगले हफ्ते तेरी शादी है, सर पे इलेक्शन है। भाई 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 मेरे घर वाले को छोड़ दो भाई, भाई भाई। ये सब क्या है? बोल। वो लड़का फिर से आया था भाई। उसके आते ही मुझे फोन क्यों नहीं किया? उसने फोन करने का मौका ही नहीं दिया भाई। तो फिर सोच क्या रहे हो तुम लोग? उसे रूम में ले जाकर ठोक दो, सारा हीरोइज्म निकल जाएगा। भाई वो गलियों में गिल्ली डंडा खेलने टाइप का लड़का नहीं है भाई, वो बहुत बहादुर है। हाँ हाँ, अच्छा तो वो इतना बहादुर है? भाई उसका स्टाइल ही अलग है। भाई उस बच्चे को अपने पास रख के करेंगे क्या? उसको उमंग राज को बेच देते हैं। दुनिया हमारी, जमीन हमारी, यही कहते हैं ना हम। किसी चीज की ब्रांडिंग नहीं होती सोच समझ कर किसी को रास्ते से हटाने का। सही वक्त पे काल मनी, तेरा और मेरा कोई निकनेम नहीं है, हमारा एक धंधा है। जो हमारे खिलाफ खड़ा हुआ वो खत्म हो गया। वो लड़का भी कोई बड़ी बात नहीं है, कभी कभी छोटा कांटा भी हमारे लिए मुश्किलें खड़ी कर देता है। तुम्हारे दादाजी मुझसे एक बात कहते थे, समुद्र में जब लहरें आती है तब सामने खड़े मत रहो, झुक जाओगे तो ऊपर से निकल जाएगी। छोटा सा लॉजिक है बस। We'll be right back.
यार, इसकी भी क्वालिटी खराब हो गई, देसी कर दिया बिल्कुल। जी मैं पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया है। धंधे के लिए आया है तो ऊपर भेज दे, नहीं तो बाहर का रास्ता दिखा दे। उस बच्चे को यहाँ पर क्यों लेकर आयो? बच्चे को लेकर क्या जाएगा, खरीदा है उसे हमने 3 लाख में। खरीदने के लिए वो कोई सामान है या तुम्हारे बाप का माल है? जगह पे आके बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरे आदमियों को मारकर उससे भी बड़ी गलती। ए, दो अल्किन का आने का टाइम हो गया है, उसके आने से पहले इसे खत्म कर दो। क्या हुआ, 10 दिन हो गए माल बेचे, हिसाब किताब नहीं देखना है क्या? अरे मालिक आ गया। अरे कहानियां सुनाना बंद कर, आके मिल ले। मालिक, मालकिन आ गई है। मालकिन आ गई। रुक जाओ, सब लोग रुको। क्या रे तुम लोग ऐसे खड़े हो, काम खत्म हो गया क्या? अरे तुम तो आप। सुनो जी, पता है ये लड़का कौन है? तुमने उस दिन कहा था ना सुंदरता के बारे में, जब मेरी शादी हुई थी ना तब इन्होंने ये जेवर मुझे पहनाया था, इसीलिए वो मेरी जान से भी ज्यादा प्यारा है। अरे तुम भी खाओ ना, जहाँ बुरे लोग होते हैं वहाँ अच्छे लोग भी होते हैं, तुमने ये साबित कर दिया है। तुमने उस दिन मेरी मदद की, मेरी जुबान से तो एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। आज हमारी शादी की सालगिरह है, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिला रही हूँ, ये मेरी खुशकिस्मती है। तुम यहाँ किस काम से आए हो ये मुझे नहीं पता है, लेकिन इन्होंने मेरी बात कभी नहीं टाली है, सही कहा ना? आपकी बीवी का गहना चला गया तो इनको लगा कि इनका भविष्य चला गया, फिर इन बच्चों का भविष्य क्या है? वैसे मेरी बीवी किसी की तारीफ नहीं करती है, देरी कर रही है तो तुझ में जरूर कुछ है। ए, इस बच्चे के साथ साथ सब कुछ छोड़ दो। बड़ी माँ, छोटू आ गया। सच में आ गया? चलिए। देखो छोटू आ गया, मैंने कहा था ना। माँ कितने दिनों बाद तुझे देख रहा हूँ। धन्यवाद बेटा। कोई बात नहीं, आप अब उसका ख्याल रखिए। अरे बाबू को बिठाओ। कालमनी के आदमी बहुत बड़े राक्षस है बेटा, उनके बारे में जाने बिना तुमने हमारी इतनी बड़ी मदद की बेटा, ये एहसान जिंदगी भर रहेगा। लेकिन हाथ जोड़ता हूँ बेटा, तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ। एक चींटी भी हाथी को मार सकती है,
अगर हम डरेंगे तो बिल्ली भी हमें शेर नजर आएगी। मैं आपके साथ हूँ, आप लोग बिल्कुल मत डरिए। ठीक है बेटा। भैया कालमानी के आदमी मुझे बहुत परेशान करते हैं, बहुत डर लगता है भैया। छोटी बेटी तुम ठहरो, ऐसा कुछ नहीं है, तुम चले जाओ बेटा। तुम चलो बेटा। आ गई वो, तुम्हारी दीदी का लकी नंबर पूछो। हाय दीदी। हाय दीदी, आपका लकी नंबर क्या है? बाय बाय। कल फिर यहीं मिलूंगा। बाय बच्चू। बाय। देखो कार्तिक, मैंने जो किया वो गलत था, लेकिन तुम्हारा इस तरह मेरा पीछा करना ये सही नहीं है। मेहरबानी करके ये सब छोड़ दो। पूरी टोली की टोली तेरे पीछे पड़ी है, तू एक के पीछे पड़ेगी तो तेरा क्या चला जाएगा? मेरे पापा बहुत बड़े गुंडे हैं, मरवा दूंगी तुम्हें। इसने सबको धोखा दिया है, अब देखते हैं ये कहाँ जाएगी। हा? क्या बात है, भाग कर आ रही है? क्या हुआ? वहाँ वो गधे खड़े हैं, प्लीज मेरी हेल्प कर दो प्लीज। हंस कई फायदा उठाते हैं प्लीज। इतनी दूर रहेंगे तो डाउट नहीं होगा उनको, मेरा कोई संबंध नहीं है तुम्हारे साथ। इतना ठीक है, उनसे जाकर पूछो ना। हाँ तुम इसका फायदा मत उठाना। हाँ अच्छा? तुम्हें दुर्गा माँ की कसम। मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। एक 104 फीवर है। सडनली जो नहीं देखना था वो तुमने देख लिया है क्या बेटा? डॉक्टर साहिबा चाय पीजिए। थैंक्स। वैसे बुज्जी ठीक तो है ना डॉक्टर? अचानक से कुछ देखकर वो घबरा गई है, दवाई से ठीक हो जाएगी। किसी चीज का इन्फेक्शन तो नहीं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब उसी की वजह से हुआ, अब वो मेरे हाथ से नहीं बचेगा। ए! अरे मार क्यों रही हो? अरे क्या हुआ, क्यों मार रही हो? अरे देखो वापस। तुमने मुझे कल क्यों छुआ? अपने आप को समझते क्या हो? जरा सा गले क्या लगी तुमने तो पकड़ ही लिया गुंडे कहीं के। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, पता है कल 104 बुखार हो गया था। अगर कल से दिखाई दिए ना जान से मार दूंगी। चलो जाओ। ये क्यों किया तुमने?
रे रंडा रे नारा रे नरे रंडा रे नारा रे नारा रे तंडा नारे साथ निभाने की बात की थी ना, निभाओगे? माँ को फोन देना। माँ? मामा जी का फोन है। हेलो दीदी, अभी कोर्ट से बाहर आया हूँ। उनका रिलीज डेट अनाउंस हो गया है, मैं बहुत खुश हूँ दीदी। हेलो हेलो दीदी, हेलो 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 बेटी। कौन है ये? अरे इसे नहीं जानती, अबुलू जी की बेटी है। सच में? छोटी थी तब इसके पिताजी जेल गए थे। अच्छा, बहुत जल्दी वहाँ से छूटने वाले हैं। भगवान जैसे इंसान है वो, गांव की भलाई के लिए जेल गए थे। बस रोकना। बुजी, अभी तो कॉलेज में थी, इतनी जल्दी वापस आ गई? मैं बहुत टेंशन में हूँ माँ, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। किसी ने तुम्हारे पापा के बारे में कुछ कहा? कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे, बात ही ऐसी है, कोई नई बात थोड़ी ना है। ये अबुलू जी की बेटी है, ये अबुलू जी की बेटी है, सब यही कहते रहते हैं, जैसे जेल से बड़ा काम करके आ रहे हैं। इरिटेशन से हेडेक शुरू हो गया है। जो बोल रहे हैं वो सच ही है ना बेटा, वो तेरे पिताजी है बेटा। रिश्ते समझाने की कोशिश मत करो माँ। बुजी, ये क्या कह रही हो? भार्गव, तुम बीच में कुछ मत बोलो। अगर अभी इसे कुछ भी कहेंगे तो इसकी समझ में नहीं आएगा। मेरे भी पंख आ गए हैं, अब मैं बिल्कुल आजाद हूँ, ऐसा कह तो दिया ना इसने। रात जाती है तो सुबह आती है, सुबह जाती है तो रात होती है, लेकिन आपके पति इतने साल नहीं आए। इन चार दीवारियों के बीच आपने उनके बिना ही संसार बसा लिया, सिर्फ उनकी यादों के सहारे। आपने इंतजार में जिंदगी बिता दी और मैं बड़ी हो गई। आपने उनसे मंगलसूत्र बनवाया इसलिए बर्दाश्त कर रही हो। मेरी माँ और मेरे पापा दोनों मेरे लिए सिर्फ आप ही हो। सॉरी यार, थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं। अरे तुम रो क्यों रही हो? मजाक सूझ रहा है, रुक बताता हूँ मुझे। भानु शशि भूमि सुतो बुद्धश्चः गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतुः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम् गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेश्वरी सन्निधं कुरु। आज से आपके ऊपर से काला साया हट गया है और आप दोनों बंधन में बंध गए। माँ की दया से आपको बहुत जल्दी पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। पढ़ेंगे इसे देखना।
क्या है? वो कार्तिक उमंग राज के पास से बच्चों को छुड़ाकर हीरो बन गया है। अरे बेटा, लेट कर पढ़ोगे तो कुछ याद नहीं होगा, बैठ कर पढ़ो। दीदी जो बोलती है सुनो, ठीक है? बैठ जाओ और अपनी पढ़ाई पूरी करो। अरे मालिक, क्या उनसे बात हो रही है? कार मनी ने छीना हो या लिया हो, जब तक वापस न करे लेना मत। मालिक छोड़ दी। किसी के दम पे तुम लोग मुझे आंख दिखाओगे? नहीं 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 मालिक, लगता है कार मनी का डर निकल गया है। देखो शराफत से बोल रही है। अगर तुमने हमें कुछ किया तो मैं कार्तिक भैया को फोन करूंगी। अरे बेटा तू चुप रह। सरकार, अब इसके भी पर निकल गए हैं। अब देख मेरा कमाल, इसे उठाऊंगा तो वो खुद आ जाएगा। कॉल मनी के खिलाफ जो भी जाएगा उसका अंजाम क्या होता है पूरे गांव वालों को दिखाऊंगा। खिलाफ जाने का अंजाम क्या होता है देख अपनी आंखों से। जो भी मेरी खिलाफत करेगा सबका हश्र ऐसा ही होगा। साहब, साहब, इतना सब कुछ हो गया, अब भगवान के लिए इस बच्चे को तो बख्श दो साहब। जाओ उसे भुला के ला, नहीं तो हर घंटे एक की लाश गिराऊंगा। भैया अब उन्हें जिसे मिलना है, कैसे भी उनसे मिलूं। आप बहुत अनर्थ हो रहा है भैया, बहुत अनर्थ हो रहा है भैया। देखो मैं जीजा जी के पास जा रहा हूँ, बात करता हूँ। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो हीरो आ गया। से पढ़ाई करना। छोटू ने तेरे बारे में बताया, तुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है ना? हाँ मुझे बहुत पसंद है। नेक्स्ट टाइम पार्टी करेंगे।
बल पे उछल रहे थे ना तुम लोग, इसे मार के इसकी समाधि यही बना दूंगा। है कोई सामने आने वाला? थूके हुए को ये लोग चाटते हैं और इनके लिए तुम मेरी खिलाफत करेगा? काल मणि हूं मैं, एक चट्टान की तरह, Let's go!
जाएगा। कैसे हैं? हाँ, उनका क्या है, सब ठीक है? और हमारा रामुलू? वो भी ठीक है। गांव चलो, सबको देखने का मन कर रहा है। हाँ ठीक है। दीदी है ना, वो आपका मंदिर में इंतजार कर रही हैं। अब अपनी तबीयत क्यों खराब कर रही हो? जो चला गया उसके पीछे अपनी जिंदगी तो नहीं छोड़ सकते। मेरी बात मानकर आगे का कार्य करने के लिए तैयार हो जाओ। पिंडदान नहीं करेंगे तो आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? इस तरह घर में रहना अशुभ होता है। मालिक जो बोल रहे हैं उसे समझो। बाद उसके खून से नहाऊंगी मैं, उसके मांस से अपने पति का पिंडदान करूंगी मैं। तब कुछ दिनों से कुछ घरों में दीपक जलाने वाला भी कोई नहीं बचा। जिस भगवान की पूजा की उस भगवान ने भी हमारी तरफ नहीं देखा। छोटे छोटे बच्चों को बेरहमी से मारा। तब आया एक अनजान नौजवान जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना हमारे लिए लड़ता रहा। 20 साल पहले जिस तरह आप खड़े हुए थे, ठीक उसी तरह आज वो खड़ा है मालिक। इतना सब कुछ होने के बाद वो MLA कार्तिक बाबू को नहीं छोड़ेगा। कार्तिक बाबू बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्हें कैसे भी बचा लीजिए। हाँ मालिक। डूबता सूरज हमेशा अंधेरा देता है, पर सुबह एक नई रोशनी। आप लोग डरो मत, मैं हूं ना। नमस्ते मालिक। सब लोग उसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं, मतलब लड़का अच्छा ही होगा। एक काम करो, उसे खाने पर बुलाओ। कौन से लड़के को जीजा जी? भाई कार्तिक। हा,
बड़ी माँ कैसी हो? ऐसा लग रहा था तुम्हें देखे बिना ही मर जाऊंगी। अंदर चलो, अंदर चलो। बड़ी माँ कैसी हैं आप? ठीक हूँ। तबीयत तो ठीक है ना? अब बेटा आ गया है तो घर में रौनक आ गई है। बस अब पोती की शादी हो जाए तो मैं चैन से मर सकूं। हाँ जरूर, कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा तो करेंगे ना। अरे वो कार्तिक को खाने पे बुलाया है, वही उसकी बेटी के पीछे पड़ा है, ये उनको पता नहीं। सच बताऊंगा तो जीजा जी कैसे रिएक्ट करेंगे पता नहीं। आज नहीं तो कल जीजा जी को पता चल जाएगा। मैं अभी जाके सब बता देता हूँ। मैं बता दूंगा, आज ही सब बता दूंगा। सच्चाई आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे इसलिए अब तक नहीं बताया। मेरे जैसा कोई है ये जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी, और अब पता चला है कि वो मेरी बेटी से प्यार करता है तो मेरा खून खौल रहा है। प्यार में आपको सब कुछ स्वर्ग लगता है, और वही शादी के बाद आपकी जिंदगी उस प्यार की वजह से नरक बन जाती है। यही सच्चाई है। मेरी बेटी मुझे बाप के रूप में कबूल नहीं करेगी, और फिर कल उसको नहीं। मेरी वजह से मेरी बीवी ने जो तकलीफें उठाई है, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी भी वैसी ही तकलीफ उठाए। अब दुखी क्यों होते मालिक? मार देते उसको। अगर उसे मारना होता तो मैं कब का मार चुका होता। मालिक छोटा मुंह बड़ी बात, आप बेटी के बारे में सोचिए। अभी तो कह रहे थे कि लड़का अच्छा है। अच्छा लड़का अगर पास में रहे तो अच्छा होता है, अगर घर के अंदर आ जाए तो कांटे जैसे चुभने लगता है। और जो जनता के लिए जीता है ना, वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले अपनों को कभी सुख नहीं दे सकता है। कभी सुख नहीं दे सकता। पति जो कहे वो मानना पत्नी का धर्म होता है, पर बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी सिर्फ माँ की होती है। जो हुआ उसमें जितनी गलती बेटी की है उतनी ही गलती परवरिश करने वाली माँ की भी है। जो होना था सो हो गया, अब जो भी करना है वो सोच समझ कर कीजिए। भार्गव, मैंने जो कहा वो जोश में कहा, पर तुम्हारी दीदी ने जो कहा वो पूरी तरह सोच समझ के कहा, होशो हवास में कहा। उसके और उसके घर वाले मेरे दिल की बात समझ जाएं, इस तरह परेशान है तुम। तुम लोग जाओ तो लगना चाहिए शादी की पत्रिका देने गए हो। सपने देखे होंगे ना आपने? औलाद के लिए सपने तो हर कोई देखता है, नॉर्मल बात है। शहर में मर्डर करना भी नॉर्मल बात है। ऐसी बात पर डरना भी नॉर्मल है। हमारे जीजा जी ने भी बहुत सारे सपने देखे हैं। बात सुनाई दी पर समझ में नहीं आई। आपके बेटे को समझाइए दोबारा हमारी बेटी से ना मिले। Thank you.
जा रही हो? कॉलेज कॉलेज जा रही हो? अरे कॉलेज जा रही हो? ठीक से जाना। क्या बात है पापा, पौधों को पानी डाल रहे हो? पौधे सूख रहे हैं। अरे इसने इतनी बार फोन क्यों किया? ये लोग कौन थे पापा? तेरे ही लिए आए थे। किस लिए आए थे? बड़े शरीफ लोग थे, बहुत ही तमीज से बात की। बात को लंबी नहीं खींचनी चाहिए, एक बार जाके बात कर क्या बेटा। आपके आदमी मेरे पापा से मिलने गए थे, इसलिए मैं आपसे बात करने आया था। बेटा बैठ कर बात कर लो। कोई बात नहीं आंटी, आपकी बुजी और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं, इससे ज्यादा और क्लैरिटी नहीं दे सकता। ए, इसे स्विच ऑफ कैसे करना है? मालिक इसको हाथ से बाएं से दाएं खींचेंगे तो मैं मेरी बेटी को अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ जो तुम नहीं दे सकते। मतलब मैं कुछ समझा नहीं? अभी तुम्हारी समझने की उम्र भी नहीं है बेटा। आपकी तो समझने की उम्र है ना, आपकी भाषा में बात करते हैं। छोटे बड़ों से कैसे बात करते हैं, माने सिखाया नहीं क्या? हमारे दरवाजे पर खड़े होकर हमसे ही ऐसे बात कर रहे हो? प्लीज, अगर तुम्हारे माँ बाप होते तो अपनी बेटी ऐसे ही किसी को दे देते। आप जो कह रही है वो 100% क्लियर है, पर हमारे बीच प्यार, भरोसा और अंडरस्टैंडिंग है आंटी। वो अगर कह दे कि मुझसे प्यार नहीं करती तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अगर हमारे सिक्के में खोट हो ना तो बातें सुननी पड़ती है। मतलब गलती हमारी है, हमारी बेटी पर नजर डालकर इसने दिल चुरा लिया और हमें भनक तक नहीं लगी। सेटलमेंट ही सही है। ये बताओ भविष्य में क्या बनना चाहते हो? किसान बनूंगा अंकल, खेतीबाड़ी करूंगा। खेतीबाड़ी? खेतीबाड़ी से अच्छा और क्या हो सकता है अंकल? और एक किसान के आगे तो हर कोई चींटी से भी छोटा है। हमारे घर की इज्जत अगर मैंने तेरे हाथ में दी तो तुझे हमारी हर बात माननी होगी। कॉलेज, घर, हमारी बेटी के अलावा तेरे दिमाग में और कुछ नहीं आना चाहिए। पड़ोस में कोई मर रहा हो या कोई तकलीफ में हो उसकी तरफ नहीं बल्कि मेरी बेटी की तरफ ध्यान देना। आपकी उम्र के साथ आपका दिमाग भी काम करना बंद कर रहा है। आपकी बेटी से प्यार करने के बदले मैं अपना कैरेक्टर बदलूं? ये नहीं हो सकता। बदलना होगा। 9 महीने कोख में रखकर जन्म देने वाली माँ जो जी जान से चाहती है, कोई आंच नहीं आने देती है, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की पूरी कोशिश करती रहती है। ऐसे ही कोई अरागर आकर लव कहकर खींच कर ले जाएगा तो क्या हम लोग चूड़ियां पहन के बैठे हैं और खामोश रहेंगे? बदलना होगा। ये बात है तो आपकी बेटी और उसका प्यार दोनों नहीं चाहिए। मुझे भी तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए, वो मेरे पापा हैं, उन्होंने मेरे लिए तुम्हारी तरफ एक कदम बढ़ाया है, लेकिन उनकी बातें तुम्हारे दिमाग में नहीं घुस रही। आज तुमने मेरा सारा भरोसा तोड़ दिया, लेकिन तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ। तुम्हारी वजह से मुझे पता चला मेरे पापा मुझसे कितना प्यार करते हैं।
मेरी जिंदगी हो और मुझमें तुम ना रहो तो नहीं जी सकता। मैं जैसा था तुमने वैसा ही प्यार किया था ना, लेकिन अब अपने पिताजी के लिए मुझे बदलने को कह रही है। अगर मैं सच में बदल गया तो शायद तुम मुझे पसंद ना करो। क्या है जी? हमारी बेटी को जो हमें पसंद है वो दें या फिर जो हमारी बेटी ने पसंद किया उसे वो दें? हम चाहे कुछ भी दें पर हमारी बेटी जिंदगी भर खुश रहनी चाहिए। कार्तिक के घर बात करने चलते हैं, तुम तैयार हो जाओ। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। आइए आइए। पेड़ों के सामने घर है या घर के सामने पेड़ है? कमाल की बात किया ये। हम जैसे औलाद से प्यार करते वैसे ही पेड़ पौधों से। बचपन से आकर लगाता था और देखभाल भी करता था। पेड़ पौधों के बिना मन ही नहीं लगता। ए श्री उठ, आइए आइए बैठिए। ये मेरी बेटी है। नमस्ते। कैसी हो बेटी? ठीक हूँ। को तो सब पता ही है, मैं अपनी बेटी को तकलीफ में नहीं देख पा रहा हूं, तो वो जो चाहते हैं अगर वो कर दें तो अच्छा रहेगा। अब हम क्या कहें, आप बड़े हैं, आप समझते हैं, लेकिन हमारा बेटा बिना कुछ सोचे किसी के भी मामले में उलझ जाता है। उसे मैं कितना समझाती हूँ लेकिन वो सुनता कहाँ है। उसके भविष्य के बारे में सोचती हूँ तो डर लगता है। मैं अभी उनकी शादी करवाने के हिसाब से नहीं आया हूँ। प्यार करने के लिए सिर्फ दिल ही काफी है, पर शादी के लिए एक दूसरे को समझने के लिए जितनी उम्र होनी चाहिए वो उम्र अभी उनकी नहीं हुई है। एक छोटी सी बात पर दोनों एक दूसरे पर उंगली उठा दें तो फिर जिंदगी भर एक दूसरे के साथ कैसे रहेंगे? इसलिए कुछ दिनों के लिए हम उन्हें यहां से दूर भेज देते हैं। मुझे यकीन है मेरी बेटी कार्तिक को बदल देगी, तो ऐसा करते हैं।
उन्हें एक जगह रहना चाहिए, एक साथ पढ़ना चाहिए। पर शादी से पहले दोनों एक साथ? आपके बेटे पर मुझे पूरा विश्वास है। अबलू जी, आप सही हैं, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। साथ ही रहूंगी। तुम पागल हो गई हो? हाँ? कोई देखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। जाओ हॉस्टल पे जाओ, मैं वहां आके मिलता हूँ। अरे तुम पहले बाहर जाओ, बात को समझो यार। कार्तिक प्लीज, मैं यही तुम्हारे साथ रहूंगी। खींच के दूंगा, बाहर जाओ। जाके गिरोगी मोटी कहीं के। चलो जाओ। हाँ तो तुम कौन से हीरो हो? मेरे मम्मी पापा ने क्या कहा था कि जब तक मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती हम दोनों साथ ही रहेंगे, तुम्हें भी पता है ना। लेकिन ये कैसे हो सकता है, बात को समझो जरा। तुमने मुझे ऐसी वैसी समझा है क्या जो मैं कुछ करूंगी? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है ना? सही कहा ना? ठीक है, मैं हॉस्टल में ही रहूंगी। ठीक है, आज से हम दोनों एक साथ ही रहेंगे। खुश? अरे तबीयत तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसे छोड़ देंगे तो उसकी मेंटल स्थिति बिगड़ सकती है सर, जरा ध्यान रखना होगा आपको। ठीक है डॉक्टर साहब। जी चलता हूँ।
क्या सोच रहे हैं आप? बेटी ने उसका सर ही तो मांगा है, लाकर दे दीजिए, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं जो कह रही हूँ उसे समझने की कोशिश कीजिए। इलेक्शन होने में 30 दिन बाकी है और हमारे पास टाइम है, और आप अपनी बेटी के लिए हथियार उठाइए। शुगर नहीं है, एक्चुअली कॉफी जैसी नहीं है। कॉलेज जा रहा हूँ, क्या कर रही हो? दोपहर में खाना खाकर आराम से सो जाना, हाँ ठीक है ना? कार्तिक क्या हुआ, क्या कह रही हो? पैकेट लेकर आना। क्या कहा? पैकेट लेकर आना। पैकेट लेकर आना। हाँ भैया। बोली क्या चाहिए आपको? वो क्या है ना, वो मुझे। अच्छा ये हा? कौन सा फ्लेवर, चॉकलेट या ऑरेंज? वो स्टॉक खत्म हो गया सर, बनाना फ्लेवर है। वो दूं क्या? वो दूं क्या?
ए मोटी। क्या हुआ? बाप रे, मुझसे ये सब नहीं होगा। मैं सबसे ज्यादा अपडेट होना चाहता था। तुम कैसे भी एडजस्ट हो जाओ। ए पतलू, शादी के बाद तुम्हें ये सब करना होगा। अरे ऐसी बात नहीं है, शादी की बात तो मुझे ही करना है ना ये सब। कहाँ गई होगी ये? हेलो। ए पागल, कहाँ गायब हो गई तुम? बिना बताए चली जाती हो। इतनी आसानी से तुम्हें कैसे बता दूं? लंच टाइम पे नोवोटेल थिएटर के पास मिलते हैं, ठीक है? ओके बाय। रख दिया। हैप्पी बर्थडे कार्तिक। ये पढ़कर तो वो बिल्कुल शॉक हो जाएगा। पूल साइड बुक किया है। टॉप फ्लोर मैम। ओके रेडी है ना? रेडी है। हां थैंक यू। सुधा, क्या तुम्हारा लव प्योर है? कार्तिक का तो है प्योर लव, मेरा पता नहीं। प्योर लव का क्या मतलब है तेरा? खाना बनाता है ना, कपड़े धोता है ना, शॉपिंग के लिए लेके जाता है ना, कोल्ड वगैरह दिलाता है ना। ए ए बताना। तू तो बिगड़ गई है, दूसरों को भी बिगाड़ रही है। सुधा लेट हो रहा है, एक बार कार्तिक को फोन करो ना। नाराज लगती है। वाह 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 वाह, क्या लोकेशन है, कमाल कर दिया। सरप्राइज बोला तो कुछ और समझा था। ए कहाँ जा रही हो तुम? यहाँ आए उसके लिए थैंक्स। ऐसी बात नहीं है सोना। ओह ये क्या हुआ? टेंशन मत लो बुज्जी, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था बस। एक्सीडेंट और लड़ाई में मुझे फर्क नहीं पता है क्या? अरे कुछ नहीं बुज्जी, छोटा सा झगड़ा हो गया था बस, और कुछ नहीं। अब भूल जाओ ना। मैं यहाँ कब से तुम्हारा वेट कर रही थी, तुम्हें इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है। मेरे साथ खुशी बांटने के लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। मैं कुछ कहूंगी वो भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा। आज तुम्हारे लिए मैंने कितनी सारी प्लानिंग की थी, लेकिन तुमने वो सब कुछ स्पॉइल कर दिया। सोचा था वक्त खुशी से गुजर जाएगा, लेकिन गांव में जो कहानी खत्म हो गई वो मेरा पीछा करते हुए यहां तक आ गई। कार्तिक, आई एम सॉरी कार्तिक,
मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। अगर जीवन साथी तुम्हारे पास ना हो तो जिंदगी का कोई मोल ही नहीं है, ये माँ को देखकर पता चला। कार्तिक, मेरी सारी हरकतें तुम्हें पहले अच्छी लगती थी, तो फिर अब क्यों नहीं लगती हैं? अब ऐसा क्या हो गया है? या शायद मैं ही स्वार्थी हो गई हूँ, मुझे बस तुम चाहिए। प्लीज मेरा साथ कभी मत छोड़ना कार्तिक। कार्तिक साथ में चले। हॉस्टल के पास क्यों लेकर आए हो? आज से तुम यहीं रहोगी, मेरी सुनो, ये तुम्हारे लिए सेफ है। ओ, समझ गई, तुम मुझे झेल नहीं पा रहे हो इसलिए डायरेक्टली नहीं बोल के इनडायरेक्टली ये कर रहे हो। अरे ऐसी बात नहीं है, मेरी बात तो सुनो। कोई जरूरत नहीं है, समझने की कोशिश करो। अच्छी तरह समझ गई, मैं तुम्हारी फ्रीडम के बीच में आ रही हूँ ना, इसलिए मुझे बिना बताए यहाँ हॉस्टल लेकर आ गए। सर मुझे माफ कर दीजिए सर, खटा रहा स्कूटर देख। सॉरी सर, चल भाग यहाँ से, देख लूंगा तुझे, मुझ पे हाथ उठाया ना। जा जा जा, देख लेना। उस बेचारे को मार रहा था तो देखा नहीं गया। मैं वहां बात कर रही थी उसे अनसुना करके, एक अनजान आदमी के लिए चले आए, वो ज्यादा जरूरी था क्या? सेंस की बात करो, जब देखो अपनी पड़ी रहती है। चलो जाओ, समझने की कोशिश ही नहीं करती, सेल्फिश कहीं की। हमारी छोटी मालकिन का सिंदूर मिटाकर तेरे साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है, हमारे घर की खुशियां उजड़ गईं, मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही वो विधवा हो गई तेरे कार्तिक की वजह से। भैया उसकी लवर को उठा कर ले आया हूं। आखिर हो कौन तुम लोग? चिल्ला क्यों रही है? ज्यादा चिल्लाएगी तो यही काट दूंगा। जो सच सुना उसके पीछे एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई।
किया उसे सही साबित कर रहे हो। दिनों तक युद्ध चला था, लाखों लाशें। कुरुक्षेत्र का युद्ध धर्म के लिए हुआ था। जो किया वो धर्म के लिए ही। नहीं चाहिए, मैं जो कह रही हूँ वो सच है। इतने दिन उसके साथ रही तो समझ में आया कि उसे नहीं बदल सकती। मेरे लिए कार्तिक सही नहीं है। मेरे अंदर माँ की तरह सहन शक्ति नहीं है। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी ऐसी जिंदगी। मुझे नहीं चाहिए पापा। जैसी तुम्हारी मर्जी। हर प्रेम कहानी में बड़ों की वजह से प्रॉब्लम होती है। प्यार में धोखा होता है, पर प्रेम कहानी में डर है, श्राप है, उसके पिता के रूप में डर है। मुझे कुछ हो जाएगा इस बात का डर है। मरते दम तक हमारे बीच प्यार करने की बातें होती हैं, लेकिन वो बातें सिर्फ बातें ही रह जाती हैं। अब मैं उसका डर कैसे मिटाऊं और मेरे प्यार को खत्म कर दूं? इतनी शक्ति मुझ में नहीं है, नहीं है मुझ में। कैसे जी सकूं ये गम,
कैसे जी सकूं। बेरहम है, क्यों मिलाता है और क्यों अलग करता है इसका कोई पता नहीं। आप ग्रेट हैं कार्तिक। इतनी बड़ी लव स्टोरी में मैं क्यों नहीं हूं? जेलस फील होता है। ओके, सी यू।
मैं तुम ना रहो तो भी नहीं जी सकता। मैं जैसा था तुमने वैसा ही प्यार किया था ना। ऐसी जिंदगी मुझे नहीं चाहिए। बाबू मेरा है। पता नहीं किसने क्या पाप किया, उस बच्चे के सर से बाप का साया छीन लिया। बेचारी अकेले जिंदगी काट रही है। अबुलू जी, अबुलू जी, अबुलू जी, कार्तिक? हाँ कार्तिक ही हूँ। आपने जिसे ठुकराया वही कार्तिक। कहाँ है वो? अबुलू जी, अबुलू जी। वाह 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 वाह, ताली बजाओ, हम इसको घूमने चलेंगे। बड़े साहब, अपनी बेटी को सुनहरी जिंदगी दोगे कहकर ले गए थे, मुझे ठुकराया कोई बात नहीं, लेकिन आज उसकी हालत का जिम्मेदार कौन है? अब तक उसकी जिंदगी में मैं क्यों नहीं आया पता है आपको? सोचा था वो कहीं पर भी होगी लेकिन खुश होगी। आपकी बेटी को मैं कैसा देखना चाहता था पता है? उसके माथे पर एक प्यारी सी बिंदी होगी, एक छोटा बेटा, एक बेटी, उसका पति साथ हो, बहुत खुश देखना चाहता था। आप ही के सामने सिंदूर के बिना जी रही है वो। कैसे इंसान है आप? क्या कहा था आपने कि मैं उसके लिए करेक्ट नहीं हूं? मैं अभी भी बोल रहा हूं मैं ही करेक्ट हूं। मुझे, मुझे। उस दिन अपनी बेटी के लिए मैंने तुम्हें बदलने को कहा था, तुम ठुकरा कर चले गए। साथ में रहोगे इसलिए भेजा था, नहीं रहे। और आज मंगलसूत्र बांध दिया। उस दिन जब मुझ पर चलाए थे तो इसने विरोध किया था, फिर बाद में कहा कि ये तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, और अब मंगलसूत्र पहन भी लिया और सर झुका के स्वीकार कर लिया। अब तुम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो तो हमारे लिए इससे बड़ी खुशी और क्या होगी? दुनिया में कोई भी बेटी का बाप सिर्फ इसलिए लड़ता है ताकि उसकी बेटी खुश रह सके। हाँ बेटा, इस सफर में तुमने बहुत कुछ पाया, हमारी बेटी भी बहुत बड़ी हो गई। कितनी बड़ी पता है तुम्हें? हॉस्पिटल में इस बच्चे के माँ बाप इसे छोड़कर चले गए और इस अनाथ बच्चे को इसने माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। लोगों की बातों में आकर तो राम ने भी सीता को जंगल में भेज दिया था,
तुमने जो देखा वो झूठ था, पर उसे सच मानकर भी तुमने मुझे मंगलसूत्र पहनाया। बहुत दुख दिया है मैंने तुम्हें। अब जिंदगी भर ऐसे ही साथ रहना है। आखिरी सांस तक मैं तुम्हारा साथ दूंगी कार्तिक।